तो चलिए सर, आपको आज एक लेटेस्ट अपडेट देनी है जो आपके साथ एक प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। बहुत से बच्चे जो हैं पेपर लॉक कर रहे हैं, तो उनको एक एरर मैसेज आ रहा होगा आपकी प्रोफाइल में। जिससे आप लॉगिन कर रहे होंगे तो वहां पे आपको इस प्रकार से पेमेंट करने के बाद इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल में एक रेड मार्क करके लिख के आ रहा होगा, और लिख के आ रहा होगा ओनली लेस देन 2 डेज और 3 डेज और 4 डेज आर लेफ्ट टू डिपोजिट योर फीस। इफ यू विल नॉट डिपोजिट द फीस विद इन 3 डेज योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा, लेकिन आपने पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट से कर दी होगी। जो भी पेमेंट हो, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की है, या 1,100 रुपये की, या 2,100 रुपये की, या 600 रुपये की है, जितनी फीस आपने की है, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई है, आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया होगा या ट्रांजेक्शन नंबर आ गया होगा, लेकिन उसके बाद आपको इस प्रकार से मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा होगा पे नाउ। देखिए पे फी, यहाँ पे इस प्रकार से लिंक आ रहा है बार बार, आपको पेमेंट करने का लिंक देखिए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे पेमेंट का लिंक आ जा रहा है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है अप्लाइड आपने किया है लेकिन फीस आपने डिपॉजिट नहीं की है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी भरा हुआ फॉर्म था वो इस प्रकार से फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पेमेंट जो है वो आपकी शो हो रही होगी इस प्रकार से। इन्होंने देखिए 2 पेपर लॉक किए हैं, तो 750 प्लस 2 प्रैक्टिकल, तो टोटल 2100 रुपये का फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट से इनका एडमिशन है, और ये देखिए यहाँ पे पेमेंट बोर्ड में CSC SPV और ट्रांजेक्शन नंबर नॉट अप्लीकेबल, इस प्रकार से ये मैसेज शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये दिक्कतें कब आती हैं और इसका मतलब है क्या और कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखिए जैसे हम इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अपने फॉर्म को भरने के बाद, तो 3 ऑप्शन हमको यहाँ पे शो होते हैं, एक CSC SPV और एक होता है NEFT RTGS और एक ऑनलाइन। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसके लिए तो आपको ये जो वेबसाइट है, आपको नजदीकी सर्विस सेंटर्स पे, यानी कि नियरेस्ट जो भी कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं वहां पर जाके इसकी पेमेंट करनी होती है, लेकिन ये सबसे बेकार मेथड है, इसका उपयोग ना करें। दूसरा NEFT RTGS का है, इसका उपयोग भी आप ना करें। नैलेट ने आपको ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिया है जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है और इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें आपका एक डेबिट कार्ड का रहता है और एक इंटरनेट बैंकिंग का रहता है, लेकिन लोग अपनी सुविधा के लिए UPI का यूज करते हैं, जिससे कि उनको फटाफट से पेमेंट करने हो जाता है QR कोड स्कैन करके। तो इसका उपयोग करने से होता क्या है, थोड़ा सा फिर आपका डिले होता है वेरिफिकेशन होने में। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो क्या होता है, वो पेमेंट जो होती है वो डायरेक्ट नायलेट के अकाउंट में पहुंच जाती है और आपको इस प्रकार के कोई भी मैसेज शो नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए इस पर आप क्लिक करेंगे, तो अगर इस पे आप जाके अप्लाई करते हैं और पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपका होगा क्या, आप उसके बाद अगर आप UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें फिर क्या होता है, नायलेट के पास जो पेमेंट होती है वो थोड़ा सा देर में जाती है। ठीक है, यानी कि वो वेरिफिकेशन होने में कम से कम 7 से 15 दिन लग जाता है, और जब वो हो जाती है तो फिर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट होती है। ठीक है, तो यही इसी कारण से जब तक आपकी वो पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वहां पे पेंडिंग आपका इसी प्रकार से शो होता रहेगा। समझ में आ गया, तो जिनकी प्रोफाइल में इस प्रकार से मैसेज अगर शो हो रहा है तो उन लोग वेट करें और कुछ नहीं करना है, आपका वो ठीक हो जाएगा, जो मैसेज आ रहा है वो सब हट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी अपडेट है, उसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।